नमस्कार, सिरासान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन खत्म करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सीजीआई ने हिंसा की आशंका भी जताई है, साथ ही यह भी कहा कि विवाद सुलझाने के लिए सरकार गंभीरता दिखाए। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कानून में किसी के मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि कानून पर फिलहाल रोक लगाने पर क्या राय है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कानून रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है उससे निराशा हुई है। हम चाहते हैं समस्या का समाधान निकले। हमें लगता है किसानों के प्रदर्शन में कुछ घटित हो सकता है। आंदोलन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, किसान आंदोलन कर रहे हैं। संगठनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आंदोलन में महिलाएं, बूढ़े और बच्चे क्यों शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून रद्द करने के लिए नहीं कह रहे, सरकार बताए कब तक किसानों से क्या बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी है। अब कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई में ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि किसी के अधिकारों का कोई हनन इस कानून के जरिए नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के घटना हो सकने की अंदेशा जताया और कहा कि यहां संभव है कि कोई घटना देखने को मिले, और सरकार से कहा कि अब तक क्या कुछ बातचीत हुई है ये बताया जाए, साथ ही कमेटी गठित करने की बात कही गई है जो इस पर कानून की समीक्षा करने के बाद अपनी राय देगी। तो कल की सुनवाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। उधर जयपुर के निम्बाहेड़ा में किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में किसानों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों का समर्थन किया। मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसान हलवा नहीं खाएगा तो क्या कुत्ते हलवा खाएंगे। दो महीने से किसान अपने परिवार के साथ कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन केंद्र की संवेदनहीन सरकार किसानों के आंदोलन को प्रायोजित करार देकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उधर जमुआ रामगढ़ में कांग्रेस के किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सम्मेलन को संबोधित किया। डोटासरा ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसानों के साथ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। तो डोटासरा की तरफ से ये बातें कही गई और कहा कि जब तक सरकार किसान बिल जो लेकर आई है तीन वो वापस नहीं लेती है तब तक कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता किसानों का समर्थन करते रहेंगे, और आज अलग अलग जगहों पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसको लेकर जमुआ रामगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा ने ये तमाम बातें कही हैं। तो आपको बताएं किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पीसीसी अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। डोटासरा ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक किसानों के साथ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। आज इन अतिथियों को ये एहसास होना चाहिए सियासत अपनी चालों से कब तक किसान को चलता रहेगा। सियासत तो जमुआ रामगढ़ पहुंचे थे पीसीसी चीफ। कांग्रेस के किसान संवाद कार्यक्रम का वहां आयोजन किया गया था।